हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की अपडेट क्या आ रही है तो इसको देखते हैं। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय को शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में कहा गया है कि जो खासकर नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए सक्षमता परीक्षा पास करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें जो कि राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। अभी क्या प्रावधान है कि BPSC से जो लोग पास किए हैं उन्हें जो कि सिर्फ जो कि राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया, नियोजित शिक्षकों को भी नहीं दिया गया। इसके लिए प्राप्त उसके लिए गाइडलाइंस है जो कि जारी हो गई है। पहला क्या है, सक्षमता परीक्षा जो होगी ऑब्जेक्टिव होंगे, एक अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। परीक्षा का विषय क्या होगा कि राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय रहेंगे। और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, जो ट्राई 1 और ट्राई 2 के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वही रहेगा। सक्षमता परीक्षा में कितने रहेंगे तो 150 प्रश्न है जो कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अर्हता क्या है कि टीचर होना चाहिए, चाहे वो प्राथमिक स्थानीय निकाय द्वारा जो है राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, ये सब के लिए रहेगा। परीक्षा शुल्क 1100 रुपये है। परीक्षा अवधि क्या होगा, CVT कंप्यूटर मोड में रहेगा, 2.5 घंटे का है जो कि परीक्षा, मतलब ऑनलाइन होगा ये परीक्षा। और ये प्रावधान जो पहले से है कि कम से कम सामान्य के लिए जो कि 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 37%, 36.5% पिछड़ा वर्ग नेक्स्टर के लिए 34%, मतलब इतना कम से कम जरूरत रहेगा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार परीक्षा विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिस पर परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर होगा। और ये विज्ञापन कब प्रकाशित किया जाएगा तो 26/1/24 को रहेगा। ऑनलाइन आवेदन है जो कि प्राप्ति की तिथि है जो कि 1/2 से 15/2 है जो कि होगा, मतलब 1/2 से फॉर्म है जो कि भरा जाएगा। एडमिट कार्ड है जो कि 5 फरवरी से 16 फरवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम द्वारा वेतन भुगतान पंजी सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना है। जो एडमिट कार्ड जो है 6/2 से 16/2 है जो कि इसको अपलोड करना है। इसके बाद जो एडमिट कार्ड निकलेगा। ऑनलाइन परीक्षा कब होगी, 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच में है जो कि ये होगी सक्षमता परीक्षा है जो कि। और परीक्षा फॉर्म है जो कि विभागीय अनुमोदन उपरांत ही जारी किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा है तो आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता पति के नाम, जन्मतिथि, योगदान की तिथि सही भरा गया, नहीं मिलान करने को उपरांत ही समय में ध्यानपूर्वक कहा गया है। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, TT, CT, ST, ET, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, प्रशासनिक तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र अपलोड है जो कि करना पड़ेगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना होगा, जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं विद्यालय का आवंटन विभाग, मतलब आपको जो है ये भी ध्यान रखना है कि जो नज़दीक जो भी आपकी इच्छा है वो आप जो कि 3 जिले ऑप्शन में देना पड़ेगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने को उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा लॉग इन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जाँचों उपरांत से अंतिम रूप से सबमिट किनको करना है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, इसमें डिजिटल हस्ताक्षर होगा उनका। ऑनलाइन परीक्षा लेने वाली एजेंसी 2-2 मशीन 2 महीने के लिए शिक्षा पदाधिकारी ताकि शिक्षक अभ्यर्थी थम इम्प्रेशन, आयरिस रिकॉग्निशन, आँख की पुतली का सत्यापन लिया जा सके। एडमिट कार्ड में QR कोड एवं बार कोड भी अंकित होगा। सीटिंग अरेंजमेंट जो परीक्षा केंद्र के लिए होगा, एक ही विषय के अभ्यर्थी जो कि एक साथ नहीं बैठेंगे। परीक्षा केंद्र के एडमिट कार्ड पर जो कि परीक्षा किया केंद्र जिसे का हस्ताक्षर एवं मुहर जरूर रहेगा। परीक्षा समाप्ति के बाद एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित जिला के जिला का समर्पित किया जाएगा। इस दौरान जो कि थम इम्प्रेशन और आयरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा के संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सभी शिक्षक अभ्यर्थी 3 बार थम इम्प्रेशन और आयरिस मिलान किया जाएगा, 1 बार परीक्षा केंद्र पर, 2 बार काउंसलिंग के समय, 3 बार विद्यालय के योगदान से। मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा सक्षमता परीक्षा, मतलब ये गायब नहीं होना चाहिए। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन से संबंधित प्रैक्टिस नजदीकी प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान या जिला शिक्षा या जो भी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में 7:30 से 9:30 बजे कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन प्रैक्टिस अगर करना है, नहीं समझ रहे तो उनके लिए टाइम दिया गया 7:30 से 9:30 बजे, मतलब रात में कर सकते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसिलिंग होगा।
उसके बाद उन पर जो है कि प्रमाण पत्र और थंबनेल, थंब इम्प्रेशन एवं आयरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा, मतलब 3 बार जो कि पूरी प्रक्रिया किया जाएगा। तो आपको कम से कम जो है ये जो कैटेगरी वाइज है ये नंबर है जो कि आपको सिर्फ उत्तीर्ण करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको जो कि परेशानी हो सकती है। 3 बार मौके दिए गए हैं तो निश्चित रूप से जो कि आपको अगर इसमें 40% भी अंक आ जाता है तो आप जो कि उसको पास, निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो ये है जो कि गाइडलाइंस है जो कि ये फाइनली है जो कि जारी हो गया है और ये फॉर्म है जो कि आप भर सकते हैं। विषय का है जो कि क्या क्या विषय रहेगा, वो जो BPSC का है सेम सिलेबस वही रहेगा। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। दूसरे चरण की शिक्षक की नियुक्ति का है जो कि परीक्षा का समय मेंटी रिजल्ट बहुत सारे लोग हो रहा था कि निकलेगा, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया कि नहीं आएगा। और शिक्षा विभाग के अनुसार दूसरे चरण में चयनित अभ्यर्थियों नियुक्ति पत्र देने के बाद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में पूरक परीक्षा फल निकालना मुनासिब नहीं होगा, मुकदमेबाजी तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने BPSC को पत्र भेजा था पूरक परीक्षा फल नहीं निकालने के बाद। उसने 15 जनवरी को BPSC के पूरक परीक्षा कब निकलेगा, BPSC ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। विभाग ने 3 व 15 जनवरी को पूरक परीक्षा फल के लिए BPSC को लिखे पत्र को है जो कि वापस ले लिया गया है। बिहार विद्यालय समिति से क्या क्या आया है तो उसको देख लेते हैं। बिहार विधानसभा से सचिवालय से है जो कि आशु लिपि की है, प्रतिवेदक की है, निजी सहायक की है, तो ये सब का देख लेते हैं क्या क्या आया है। तो ये क्या पुस्तकालय परिचारी, कार्यालय परिचारी, दरबार, इसके लिए जो कि आया था तो इसको खुलने में देरी हो रही है। ये है जो कि कार्यचर प्रचालन माली सफाई कर्मी ये सब का रजिस्ट्रेशन है जो कि 29/1/2024 से 15/2 मतलब ये शुरू हो जाएगा। प्रारंभिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अंतिम तिथि 15 फरवरी तक है। परीक्षा शुल्क को भुगतान करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी है। तो ये जो है आपको शुरू हो जाएगा। और कितने पद हैं, सीटों की संख्या टोटल जो है आपको 14 है और सभी का जो कि इसमें है जो कि
शैक्षणिक योग्यता क्या है, मैट्रिक पास होना चाहिए, चाहे राज्य सरकार से। आरक्षण का लाभ जो वही रहेगा जो सेम रहेगा, जाति प्रमाण पत्र ये सब क्लियर किया गया है किसके आधार पर रहेगा। उसके बाद उम्र सीमा जो कि 1/8 2023 से न्यूनतम है जो कि 18 वर्ष है जो कि होना चाहिए, और अनारक्षित के लिए 37 वर्ष है जो कि अधिकतम है। परीक्षा की पद्धति जो है आपको अगर 100 अंकों का होगा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। अभी तो जिसका पूर्णांक है मतलब साक्षात्कार सिर्फ होगा 40,000 से अधिक होने पर है जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि हो सकता है, मतलब पीटी मतलब मान के चला जाए कि 40,000 से ज़्यादा होगा तो होगा। परीक्षा शुल्क है जो कि 400 रुपया है, और जो अन्य अन्य महिला का अभ्यर्थी है, दिव्यांग अभ्यर्थी है, SC ST है, उन लोगों के लिए 100 रुपया है। तो ये जो है आपको साक्षात्कार होगा, और ये डेट है जो कि दिया गया है ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए। और देखते हैं और दूसरा क्या आया है। प्रतिवेदक निजी सहायक और उसके लिए भी है जो कि आया है प्रतिवेदक निजी सहायक आशुलिपि के रिक्त पदों की भर्ती, ये भी 29/1 से जो कि शुरू हो जाएगा 15/2 जो कि लास्ट तिथि रहेगा। सीटों की संख्या क्या रहेगी इसको भी देख लेते हैं, और इसका ग्रेड पे जो है प्रतिवेदक का लेवल 9 का रहेगा, निजी सहायक का 7 रहेगा, आशुलिपि का 4 रहेगा। तो ये टोटल जो है प्रतिवेदक का है जो कि 6 सीट है, निजी सहायक का है जो कि आपको टोटल है जो कि 4 सीट है, सॉरी इसमें 13 सीट है टोटल, बैकलॉग सहित है, बैकलॉग पदों की संख्या है। और अनुमान आशुलिपिक का है जो कि आपको आशुलिपिक का है जो कि टोटल है जो कि 5 पद है। प्रतिवेदक के लिए जो कि आपको स्नातक होना चाहिए, और 150 शब्द प्रति मिनट है जो कि आशुलिपि गति अनिवार्य है। हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन में 35-35 मिनट की गति होनी चाहिए। निजी सहायक के लिए क्या है, राज्य सरकार केंद्र सरकार में 100 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि होना चाहिए, और 30-30 मिनट का होना चाहिए, भी स्नातक है। आशुलिपि के लिए 80 शब्द प्रति मिनट है, 30-30 मिनट, मतलब सभी स्नातक पर ही लेकिन स्पीड पर है जो कि होगा, और एक ही साथ एक ही फॉर्म में भराएगा। उम्र सीमा 1/8 2023 को कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। परीक्षा पद्धति क्या होगी, सभी में जो कि आशुलिपिक है जो कि हिंदी परीक्षा ली जाएगी, और मापदंड के हिंदी व अंग्रेजी टंकन की कंप्यूटर पर मतलब पहले हिंदी की परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद प्रतिवेदक के लिए भी 5 मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट 750 शब्द होगा। आशुलिपि गति वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या 140 शब्द प्रति मिनट भी शर्त के साथ लिया जाएगा, और टंकन स्पीड हिंदी अंग्रेजी में दोनों 35 होना चाहिए। निजी सहायक के लिए है 5 मिनट में 100 है, आशुलिपिक के लिए है भी 5 मिनट में 80 शब्द। तो ये सब कंडीशन है जो कि दिया हुआ। मेधा सूची जो कि तीनों कोटि का हस्तलिखित अनुवाद के आधार पर टंकन जांच परीक्षा लिया जाएगा, शुद्धता के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा शुल्क जो कि 600 है, और जो छूट के साथ है वो 150 है, और ये तिथि तो निकल ही गई है। शिक्षक धन्यवाद।